प्रीवियस जो हमने टेस्ट किया था तो हमने उसमें देखा था कि किस तरीके से हम लिटमस पेपर की हेल्प से एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन आज हम लिटमस पेपर की जगह लिटमस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, जबकि रेड लिटमस पेपर की जगह आज हम लिटमस ब्लू इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे ब्लू लिटमस पेपर की जगह, और रेड लिटमस पेपर की जगह आज हम इस्तेमाल करेंगे लिटमस रेड इंडिकेटर सॉल्यूशन। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से मीडियम में कौन सा कलर आता है। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगा एसिड का। तो एसिड हम जानते हैं कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो मेरे पास ब्लू सॉल्यूशन जो है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, वो भी रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो उसके अंदर हम सबसे पहले क्या लेंगे, एसिड को ड्रॉपर्स के अंदर लेंगे और टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल कर लेंगे। ये हमने फिल कर लिया, एसिड को टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल कर लें। टेस्ट ट्यूब में एसिड को फिल करने के बाद फिर इसके अंदर हम ब्लू लिटमस को सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर हमें रेड कलर दिखना चाहिए, तो अगर रेड कलर हम आता है तो हम ये समझेंगे कि ये सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन एसिड था। देखो ज़रा, क्या आपको रेड कलर दिखाई दिया? जी बिल्कुल, रेड कलर आपको दिख रहा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या लिया था, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने एसिड को लिया था। अब यही टेस्ट सेम इसी तरीके से हम किसके साथ करेंगे, बेस के साथ। अब हम बेस लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या फिल करेंगे, बेस। टेस्ट ट्यूब के अंदर बेस फिल करने के बाद अब हम इसमें रेड लिटमस सॉल्यूशन को ऐड करेंगे और ये ब्लू हो जाना चाहिए। तो चलो ऐड करते हैं और देखते हैं क्या ये ब्लू में कन्वर्ट हो पाता है कि नहीं। तो मैं रेड लिटमस को ऐड कर रहा हूँ, रेड लिटमस सॉल्यूशन को, देखिए आप ये ब्लू में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है जी। हाँ, तो इस तरीके से आपको ये ब्लू में कन्वर्ट होता हुआ दिख जाएगा। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि एसिडिक मीडियम में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड में कन्वर्ट हो गया है और बेसिक मीडियम में रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन की हेल्प से भी एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।